आज 5 अगस्त को वर्तमान सैटेलाइट पिक्चर पर एक नजर डालें तो फिलहाल साउथ ईस्ट और साउथ राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और लाइट टू मॉडरेट रेन एक्टिविटी जारी है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी अपने नॉर्मल पोजीशन के ऊपर है। वहीं दिनांक 7 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर में एक लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना है। इन तीनों सिस्टम के असर से राजस्थान के ज़्यादातर भागों में अगले 5-4 दिनों तक मानसून सक्रिय बने रहने की संभावना है। आज 5 अगस्त को यदि देखें तो साउथ राजस्थान के उदयपुर संभाग के जिले, वहीं जोधपुर संभाग के सभी जिलों में मानसून विशेष रूप से सक्रिय रहेगा। इन जिलों में ज़्यादातर स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। वहीं साउथ वेस्ट और साउथ राजस्थान के जो जोधपुर संभाग के जिले हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना अगले 24 घंटों तक बनी हुई है। वहीं 6 अगस्त को देखेंगे तो ज़्यादा जो मानसून की एक्टिविटी है वो साउथ ईस्ट और साउथ राजस्थान के जिलों में रहेगी। वहीं बीकानेर संभाग के जिलों में भी कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन का सिस्टम बना रहेगा। 7 और 8 अगस्त को जैसे ही उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में यहाँ एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं में स्ट्रेंथनिंग होगी और एक बार देखेंगे फिर से राजस्थान में मानसून की सक्रियता 7-8 अगस्त से बढ़ेगी। यानी 7-8 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस सिस्टम का असर अभी भी कुल मिलाकर अगले 5-4 दिनों तक राजस्थान में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।